announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज शनिवार से डोर टू डोर टीकाकरण शुरू हो गया है। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को उनके घरों में ही टीका लगाया जा रहा है। बांदीपुरा के बीएमओ डॉक्टर मुसर्रत आलम ने जानकारी देते हुए बताया और कहा कि बांदीपुरा पहला जिला है जहां डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। वहीं दो दिन के अंदर 45 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बांदीपुरा के सुदूर इलाके में 1000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जब लोगों की सांसें उखड़ने लगी, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होने लगी, तो सबसे ज्यादा समस्या सरकार के लिए भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगने वाले फ्लो मीटर की पूर्ति करने में परेशानी आने लगी। ऐसे में कालाबाजारी भी शुरू हो गई। बाजार में हिसाब से उपकरण न मिलने के कारण उनकी कमी होने लगी। उधर इस महामारी के बीच एक समाज सेवी संस्था ह्यूमन जम्मू भी कोरोना संक्रमित लोगों की मदद कर रही थी और अब उन्होंने इस फ्लो मीटर की कमी को महसूस किया और बना डाला मेड इन जम्मू फ्लो मीटर, जो इस संस्था की ओर से मरीजों को फ्री मुहैया करवाया जाएगा। इस फ्लो मीटर को बनाने में इंजीनियर किरण वातल और इंजीनियर सिद्धार्थ भट्ट की भूमिका अहम रही। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा हथियारों की तस्करी करने के प्रयास को विफल करते हुए तंगधार सेक्टर में जवाफी में एक 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्टल, 9 मैगजीन और अन्य गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में सेक्रेटरी टूरिज्म ने कोरोना वैक्सीन को लेकर डल लेक में शिकारा वाले और हाउस बोट ओनर्स के साथ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा की। वहीं उनके साथ आए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीका लगाया गया। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रशासन ने हाई रिस्क और टारगेटेड ग्रुप को प्रायोरिटी के हिसाब से वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें होटल्स, हाउस बोट और शिकारा वालों का पूरा ताउन मिल रहा है, लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लगा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इन दिनों कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन जारी है, साथ ही प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के कार्य को भी युद्ध स्तर पर कर रही है। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार विकास कार्यों को भी तवज्जो दे रही है। इसी क्रम में डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी का दौरा कर वहां जारी कार्यों का जायजा लिया और समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर कदम पर प्रशासन डेवलपमेंटल के काम जारी रखे हुए है। कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन का असर वैष्णो देवी यात्रा पर भी देखने को मिला, परंतु जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम होता जा रहा है, वैसे वैसे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहरी राज्यों के भी श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने लोगों से अपील की कि वो सरकार के SOP का पालन करें। हमने माता रानी से यही प्रार्थना की कि इस बीमारी से सबको छुटकारा मिले। जम्मू कश्मीर सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी और शराब की दुकानें खोलने को लेकर अब जम्मू के लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। वहीं शक्तिनगर वेलफेयर सोसाइटी के लोगों में महिलाओं और पुरुषों ने सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने सरकार से कहा कि एक्साइज पॉलिसी 2018-19 के तहत कोई भी शराब की दुकानें कॉलोनीज, स्कूल, मंदिर, अस्पताल के 300 मीटर के दायरे में खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है, पर कैसे अब शराब की दुकानें कॉलोनी, घरों के सामने, स्कूल के नजदीक खोली जा रही है। महिलाओं ने उपराज्यपाल से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और इन दुकानों को फौरन बंद करने की अपील की है। जिला रामबन के बनिहाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम भट्ट द्वारा कोविड की लड़ाई में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के बीच PPE किट और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उन्होंने बनिहाल पुलिस, नगर पालिका के कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच ये सामग्री बांटी। उन्होंने इस दौरान कहा कि आगे उपमंडल बनिहाल के अन्य फ्रंटलाइन योद्धाओं को भी इसी तरह की सामग्री का वितरण किया जाएगा। यूटी जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की वजह से गरीब जरूरतमंद झाड़ीदारों को खाने पीने के लाले पड़ते जा रहे हैं। कई संस्थाएं NGOs आगे आए और मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसी क्रम में नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने
कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर कोविड लॉकडाउन में बुरी तरह प्रभावित शिकारा वालों के बीच भोजन किट का वितरण किया। जम्मू में कोविड महामारी लॉकडाउन में गरीब जरूरतमंद ठेकेदारों पर खाने पीने के लाले पड़ते जा रहे हैं। कोविड लॉकडाउन में बुरी तरह प्रभावित इन परिवारों और लोगों की मदद के लिए बीजेपी की महिला विंग ने मदद के हाथ आगे बढ़ाते हुए गरीब जरूरतमंदों को बाहूफोर्ट इलाके में राशन किट का वितरण किया, जिसमें चावल, तेल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री बांटी गई।